तो इसके बाद आती है कलर रिप्लेसमेंट टूल, ठीक है। तो इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये काम क्या करती है, कलर को रिप्लेस करती है। ऑब्वियसली किससे रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पर अगर कलर से कुछ काम कर रही हो तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इससे आपका फोरग्राउंड कलर बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप कलर रिप्लेसमेंट टूल को यूज कर रहे हो तो ये क्या करेगा, आपके कंटेंट की जो कलर है उसको आपके फोरग्राउंड कलर से रिप्लेस कर देगा, यही इसका काम है, ठीक है। समझ आया गया होगा आपको इसका काम क्या है, ये आपका जो कंटेंट का कलर है उसको फोरग्राउंड की कलर से रिप्लेस कर देगा। तो चलो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैं फिर से ये वाला एग्जांपल पे आ जाता हूँ। मैंने यहाँ पर स्काई ड्रॉ किया था, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो कलर है इसको मैं सैंपल ले लूँगा, ठीक है। सैंपल लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस ऑल्ट दबाओ, क्लिक करो, ठीक है। देखो ये सैंपल ले लिया अपना यहाँ से, ठीक है। अब इसको छोड़ दो। अब आप देख सकते हो कि फोरग्राउंड का कलर, मेरा ये जो टावर का कलर है, ये कलर फोरग्राउंड पे आ चुका है, ठीक है। अब क्या करनी है, इस कलर को मैं इसका साइज थोड़ा घटा देता हूँ, हार्डनेस को भी थोड़ा घटा देता हूँ, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, हार्डनेस क्या होगा हर एक चीज़ पे, हार्डनेस और साइज, ठीक है। तो अब मैं इस वॉल के ऊपर इसको पेंट करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखना क्या होगा, ये जो फोरग्राउंड कलर है ये कलर इस वॉल के ऊपर आ जाएगा बहुत आसानी से। मैं साइज को थोड़ा और घटा देता हूँ, ठीक है। अब मेरे ख्याल से सही है। अब देखो, देखा वॉल का कलर कैसे चेंज हो गया। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा कि वॉल का कलर चेंज हो रही है और ये काफ़ी हद तक ये जो फोरग्राउंड का कलर था उससे मैच कर रही है, ठीक है। आप देख सकते हो कि वॉल का कलर अभी ऑरेंज हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो बिल्डिंग है इसका भी कलर इससे मैच करवा देता हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखो इतना आसानी से ये काम हो रही है। तो देखो ये बिल्डिंग पहले सफ़ेद था, अभी क्या हुआ, ये बिल्डिंग ऑरेंज बन गया, एकदम टावर के कलर का बन गया, ठीक है। तो चलो हम लोग बिफोर आफ्टर देख लेते कैसे है। ये देखो ये पहले था और अभी मैं दबा रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट और जेड, ये अभी देख रहा हूँ रीडू हो गया। अनडू करने के लिए कंट्रोल जेड, रीडू करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जेड, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये काम कैसे कर रही है। आपको मेरे को लगता है कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि ये कैसे काम करती है जान के, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कलर रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है और हम लोग अच्छे तरीके से नहीं कर पाते कि एक्चुअली करना क्या है, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से ये काम कर देती है कलर रिप्लेसमेंट टूल, ठीक है। मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छा टूल है कलर को रिप्लेस करने के लिए। अब मैं इसको भी हटा दिया, आप देख सकते हो कि कैसे लग रही है ये, ठीक है।